ये देखो कितना बड़ा बॉक्स है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर अभी क्या है। ये ऐसा लगा जैसे कि फ्रिज का बॉक्स, पर एक्चुअली अंदर फ्रिज है ही नहीं, है दूसरा कुछ है, आपको पता ही है। दोस्तों ये देखो फाइनली मैंने ऊपर का रैप निकल दिया है, सेफ्टी रैप जो था वो, और अभी देखो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं ये, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट मैं आपको ये सब चीज़ें अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि अंदर का जो मशीन है वो कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ढक्कन ऐसा खोल के अनबॉक्स करेंगे इसको। ओके, मशीन तो भाई बहुत बड़ा है, कुछ नया है आज, ऐसा फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा मशीन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये देखो थर्माकोल कितना बड़ा है। ओके, JPT टूल्स से मंगाया हुआ है ये। ओके, ये सबसे पहले वारंटी कार्ड, ये देखो यहाँ पर लिखा है वारंटी कार्ड, ठीक है। और बाद में ओ भाई साहब इतना वजन है, इसको तो अकेला उठाना मुश्किल है। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, थोड़ा कुछ अलग आइडिया लगाना पड़ेगा, इसको सुला देता हूँ ऐसा। यस, ये सही आइडिया, इसका सुला देता हूँ, बाद में इसको ऐसा खींच के निकालता हूँ। और देखो जब इसको खींच के निकाला था ये अंदर लगता फिक्स नहीं था, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। तो बाहर तो आना ही था, क्योंकि भाई कंपनी वालों को भी पता कि एक बार वैसे निकल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए खोल के ही रख दिया लोगों ने, डिसमेंटल करके रखा है। ये ऐसा कौन सा तरीका है अनबॉक्सिंग करने का। ओके, ये चलो अभी इसके अंदर और क्या है। एक्चुअली इसके अंदर एक्स्ट्रा और भी बॉक्स ये लोगों ने सामान दिया हुआ है, ताकि इससे डैमेज ना हो मशीन, इस वजह से देखो ये सब दिया हुआ है, ये सब मैं निकल देता हूँ। ये और उसके अंदर ये देखो, ये ऐसा और एक एक्स्ट्रा पाइप था, तो इसको मैं रख देता हूँ इधर, और अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली। चलो ये लो, ये रैप निकाल देता हूँ मैं, ताकि आपको मशीन ठीक तरह से दिख जाए हर तरह से। ओके, ये देखो ये है मशीन, और अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी वो दिखाने वाला हूँ। ये देखो तो सबसे पहला मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब एक्सेसरीज क्या क्या आता है, वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो ये है मेन फिल्टर, आपको तो पता है यहाँ पर इसको फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो हवा है वो यहाँ से फिल्टर होकर के मशीन के अंदर से आउटपुट देता है, तो ये है मेन फिल्टर। ओके, और ये नॉर्मली एक्स्ट्रा पाइप, एक्सटेंशन पाइप है, ये सब मैं आपको प्रॉपर ऐसा असेंबल करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखो ऐसा वाला दो आता है, देखो ये एक थोड़ा सा छोटा, नहीं हाँ सेम साइज है वो। ओके, ये देखो ये दो पाइप, और ये है देखो दूसरा वाला हाउस पाइप, जिससे अपना कचरा खींच के लेने वाला, एकदम मोटा, हैवी ड्यूटी बिल्कुल। आपको तो पता है ये जो मशीन है ये प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल हैवी ड्यूटी के लिए, बड़ा बड़ा जो कार वॉशिंग सेंटर होता है उनके लिए है ये। और देखो ये है, एक है नॉर्मली, ये देखो ये ब्रश टाइप है, और एक है नॉर्मली फ्लोर क्लीन करने, जैसे बड़े बड़े हॉल वगैरह होता है, अगर आपको क्लीन करना है तो पानी डाल के मस्त बाद में उसको ऐसा पानी एक बार में क्लीन करना था। ये देखो ये जो है ना रबर टाइप है, इससे आप इसको प्रॉपर ऐसा खींच के क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक काम करूँगा, मैं अपना घर में भी ऐसे पानी डाल के आज मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत क्लीन करके दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों इतना बड़ा मशीन है, आज मैंने टेबल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पर ही मतलब मट्टी नीचे रख रहा हूँ, तो आप ऐसा बुरा मत मानना इस बात के लिए। ओके, और देखो ये दो तरह का और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो ये नोजल आगे का, जिससे आप नॉर्मली इससे कचरा खींच सकते हैं और इसके बाद मैट वगैरह क्लीन कर सकते हो। चलो तो ये सब मैं साइड में रखता हूँ, तो सबसे पहला इस मशीन को यहाँ से ऐसा फिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छा दिखे, नॉर्मली दिखने में ख़राब दिख रहा है मशीन, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा फिक्स कर लेंगे यहाँ पर, ये ऐसा। और आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, और देखो ये इस साइड का ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऐसा ही यहाँ पर रहना चाहिए, ताकि ऐसे प्रॉपर ऐसा लॉक कर सकते हैं। देखो ये इस साइड में लॉक हो गया, बाद में इस साइड में ऐसा ये, बाद में ये ऐसा
ये लॉक हो गया, ये प्रॉपर ऐसे लॉकिंग हो जाएगा तो बाद में एयर लीकेज नहीं आ जाएगा, बाद में प्रॉपर ऐसा वैक्यूम का सक्शन ऐसा पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से आपको प्रॉपर ऐसे लॉक कर लेना है ठीक से। दोस्तों ये देखो, ये जो पावर कॉर्ड दिया है लोगों ने, काफ़ी लंबा दिया है लगता है। ये देखो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई 8 मीटर पावर कॉर्ड, 8 मीटर दिया और बहुत ही क्वालिटी वाला दिया है। देखो ये देखो, ये नॉर्मली पतला नहीं है, ज़बरदस्त रबर टाइप फील हो रहा है और बहुत ही हाई क्वालिटी का लोगों ने पावर कॉर्ड को दिया हुआ है। तो नॉर्मली लॉन्ग टाइम रफ एंड टफ यूज़ के लिए इसको दिया हुआ है ताकि आपको जल्दी से ऐसा ख़राब ना हो जाए, बहुत ही हैवी ड्यूटी ये लोगों ने पावर कॉर्ड को दिया हुआ है। और दूसरा बात देखो, मशीन में व्हील लगा है नीचे से, तो आप इजीली कई बार भी ऐसा खींच के लेके देखो, यहाँ पर आगे वाला जो है ना वो देखो 360 डिग्री घूमने वाला है और ये पीछे का बड़ा बड़ा व्हील दिया है, तो आप इजीली ऐसा खींच के लेके जा सकते हो कई बार भी। देखो कितना स्मूथली ऐसा आ जाता है, देखो ये बहुत ही फास्ट है सर, देखो वाओ, कोई सर दिक्कत वाली बात नहीं। ये कुल में आप ऐसे कार के चारों ओर ऐसे कहीं पर भी घुमा सकते हो, तो आप अगर फ्लोर क्लीन कर रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मली एक हाथ से ऐसे मस्त पकड़ के कहीं पर भी खींच के लेके जा सकते हो, तो इसलिए ऐसा। दोस्तों ये देखो, ये जो दो जो दिया है नॉजल, ये देखो ये जो दो चीज़ें है, एक ब्रश टाइप और एक जो नॉर्मली देखो ये पाइप फ्लैट पाइप, ये जो दोनों है मेन हमारा कार क्लीन करने के लिए दो चीज़ें मेन चाहिए रहता है। बाकी जो ये देखो ये जो दिया है ये फ्लोर क्लीन करने के लिए दिया है। तो देखो प्रॉपर मैंने देखो इसको ऐसे लगा दिया, मैं आपको दिखाता देखो ये ऐसा, ये साइड जो है ना ये मशीन में लग जाएगा, यहाँ पर देखो जैसे ऐसे पुश करना है, देखो कट करके आ जाए ये लॉक हो गया। बाकी आपको अगर वापस खोलना है तो इस बटन को ऐसे प्रेस करना है, खींचना ऐसा, वो देखो ये हो गया ऐसा है ना, तो आपको ऐसा हम ऐसे लगा देंगे और बाद में हम कार को क्लीन करने के लिए अंदर से ऐसा इसको ऐसा लगा देंगे। देखो ये ऐसा और बाद में डीपली अंदर से ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर ये पाइप जाएगा नहीं, तो वहाँ पर ऐसा इस तरह का ऐसा लगा लेना है, देखो ये है ना, तो दोनों हमारा कार के लिए सही है। बाकी अगर आपको फ्लोर वगैरह क्लीन करना है जिससे पानी वगैरह डाल के ऐसा क्लीन करने का, फ्लोर वगैरह ऐसा ड्राई करना है, तो उस वजह से आपको ये देखो ये लेना चाहिए आपको, आपको ये यहाँ पर ऐसा फिक्स करना पड़ेगा। देखो ये ऐसा, ये देखो ऐसा, ये देखो नॉर्मली अगर बड़ा कोई मैट वगैरह है तो उसको ऐसा, देखो ब्रश टाइप है ये, इसको आप ऐसा इजीली ऐसा क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा ये देखो, ये जो है ये फ्लोर पे अगर पानी वगैरह गिरा है तो उसको ऐसा क्लीन करने के लिए, देखो फ्लोर ड्राई करने के लिए, ये देखो ये ऐसा, ये देखो ऐसा, ये ऐसा आप बाद में ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ये दो चीज़ें मैं अभी साइड में रखता हूँ, फिलहाल तो हमारा जो कार है ना वो प्रॉपर ऐसा अंदर से ऐसा इंटीरियर क्लीन करके दिखाएंगे, जो भी कचरा पड़ा है मेरे कार के अंदर वो भी ऐसे प्रॉपर ऐसा क्लीन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये जो पाइप है अगर आपको लंबा करना है, देखो ये देखो यहाँ पर ये सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो ऐसे लॉक हो गया, फिक्स हो गया है ना, पर बाद में आपको ऐसा फ्लोर वगैरह क्लीन करना है या तो मैट क्लीन करना है, ये देखो इसको ऐसा फिक्स कर लो, ये देखो ये ऐसा फिक्स हो गया, ये देखो ऐसा, बाद में अब उसको ऐसा यहाँ से ऐसा लगा लो, ये देखो ये ऐसा आप इसे इजीली ऐसा क्लीन कर सकते हो, मतलब ऐसे इतना लंबा करना है तो आप इजीली ऐसा लंबा कर सकते हो, मतलब यहाँ पर देखो ये जॉइंटर दिया हुआ है, इजीली एक दूसरे को जॉइंट हो जाता है। अब विदाउट जॉइंट भी कर सकते हो, आपको जैसा छोटा चाहिए तो छोटा है, तो बड़ा चाहिए तो ऐसा बड़ा ऐसा कर सकते हो, इजीली कंफर्टेबल है ऐसा। बाद में आगे से जैसे इसको हम निकाल देंगे, इसको ये निकाल देंगे, बाद में इसको लगाना था इसको लगाएंगे, ये देखो ऐसा काम करेगा वो, ये देखो ऐसा, ये भी ऐसा सेम ऐसा ही फिक्स हो जाएगा। देखो तो इसको मैं अभी सामने से खोल के रखता हूँ, इसका हमारा ज़रूरत नहीं है, हम सीधा फ्लेक्सिबल पाइप से ही यूज़ करने वाले, हमारे कार के अंदर का जो भी डस्ट वगैरह वगैरह है वो सब हम अभी निकल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो, इसमें इस मशीन में दो स्विच है, मतलब इस मशीन के अंदर ना दो मोटर लगा हुआ है, तो आपको अगर सिंगल से काम चल जाता तो सिंगल पावर लेने का, अगर आप दोनों को ऑन कर दोगे तो फिर डबल सक्शन पावर हो जाएगा है ना। तो ये जो ना ये 60 लीटर का है और एक 80 लीटर का है, ये इसमें ना दो मॉडल आता है, अगर आप 80 लीटर का लोगे तो उसमें तीन स्विच आता है, मतलब तीन मोटर का पावर है ऐसा, और नॉर्मली इसमें दो है स्विच, तो आपने दोनों को ऑन कर दिया तो बाद में ये 2300 वाट का जो पावर है ना वो लेगा। देखो यहाँ पर लिखा है देखो 2300 वाट, तो ये 2300 वाट का पावर लेगा वो। तो कुल मिला के अगर आपको नॉर्मली एक से कम चल जाता है तो फिर एक यूज़ करने का, तो उससे आपका बिजली का खपत कम होगा। अगर आपको लगे नहीं भाई मेरे को दोनों सेक्शन पावर चाहिए तो दोनों स्विच ऑन कर देने का, डबल पावर सेक्शन होगा। तो इस तरह का ये मशीन में दिया हुआ है। और देखो नीचे और एक देखो यहाँ पर ये पाइप दिया हुआ है, अगर आप समझो कि पानी वगैरह भर जाता है अंदर पानी खींच के, तो बाद में इससे देखो ऐसा खोल के इसको ऐसा देखो ये ऐसा खोल के इसको पानी ड्रेन कर सकते हो आप ऐसा यहाँ से। चलो और अभी हम मशीन को चालू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो एक्चुअली ज़्यादा प्राइस नहीं है, 24-25 हज़ार का कुछ मिलता है, और जो 80 लीटर का वो कुछ 26-27 हज़ार का कुछ तो आपको मिलेगा। तो प्राइस मेरे को फिक्स उतना ठीक से पता नहीं है, तो आप jptools.com जो है वापस जाकर के ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि इसका प्राइस कितना है, डिटेल वो भी चीज़ें आप ऐसा उसके वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले सिंगल स्विच ऑन करके देखते हैं, ये सक्शन पावर मीडियम है, ब्रश है तो साइड से ऐसा हवा लेता है, ओके, और डबल इंजन चालू करेंगे, डबल मोटर, ये ओ भाई साहब डबल पावर चालू करेंगे, एकदम बहुत तेज़ी से हवा आ रहा है, ये काम करेंगे भाई हमने तो, देखो शोर बहुत ज़्यादा है, ओके
तो हम अभी क्या करने वाले, सिंगल से नहीं करेंगे, डायरेक्ट डबल से करेंगे। फिर सिंगल से भी करके देखेंगे कितना पावर है कुल में। क्या भाई हमको तो मज़ा आएगा डबल में करने के लिए, डबल पावर। ओके ये धूल देखो, मट्टी भरा हुआ है, और देखो अंदर कचरा देखो, पहले ये देखो, ये देखो पूरा कचरा है। चलो ऑन कर लेते हैं मशीन को, डबल पावर। यस सबसे पहले डबल पावर। ओ भाई साहब ये देखो यार पूरा चिपक जाता है, देखो इसका ऐसा करें तो मैट के अंदर चिपक जाता है। ओ हो एकदम तेजी से खींच रहा है। अब ये काम करेंगे, मैं सिंगल पावर भी ट्राई करके देखता हूँ। मेरे को लग रहा है डबल पावर ना कुछ ज़्यादा पावर हो रहा है, तो मेरे को उतना ज़्यादा पावर नहीं चाहिए था, मैं सिंगल पावर से ट्राई करता हूँ अभी। डबल पावर मुझे उतना ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो सिंगल से मैं ट्राई करता हूँ अभी। दोस्तों ये देखो अभी सिंगल पावर से देखेंगे। हाँ सिंगल पावर ठीक है मेरे लिए, तो डबल पावर कुछ ज़्यादा ही पावर हो रहा था। यस पूरा ब्रश मारेगा और प्रॉपर ऐसा खींच लेगा अंदर का। ओहो अब ठीक है, डीपली क्लीन कर लेगा ऐसा, ऐसे जैसे आप घिसोगे ना ये डीपली क्लीन कर लेगा। देखो दोस्तों कितना ज़्यादा यहाँ पर कचरा था, मैंने ब्रश मारा ऐसा, देखो प्रॉपर ऐसा क्लीन हो गया, तो पूरा अंदर का भी डीपली क्लीन करके निकल लेगा ये मैच। और क्या है मेरा कार को भी लेमिनेशन नहीं किया है, तो इस तरह का देखो ज़्यादा बार बार ना गंदा हो जाता है, क्या करेंगे, लेमिनेट करना है मेरे कार को। अभी तो डेढ़ साल हो गया कार लेकर के, अभी तक मैंने किया ही नहीं कुछ, मेरा कार का तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं, रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है आपको, कुछ ना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है ना इस वजह से। वाओ कूलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, देखो सक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। जब ब्रश मारेंगे मस्त ऐसा क्लीन हो जाएगा। क्या ना जो डीपली जो घुस गया ना उसको क्या ब्रश से ना घिसना पड़ता है थोड़ा, ताकि वो इजीली ऐसा बाहर आ जाए, और जो बाहर आ जाता है वो प्रॉपर ऐसा निकल जाता है। ये देखो दोस्तों वो साइड का हो गया, अब हम ये साइड का क्लीन करने वाले हैं। ठीक है ये मैट को बाहर निकाल देता हूँ, ये मैट कुछ काम करने, लास्ट टाइम मेरा कार में ना कोई मैकेनिक आया था वो कुछ सर्विस करने के लिए, और मैट को ऐसा निकाला और पूरा कचरा अंदर ही छोड़ दिया, मैट का जो कचरा वो अंदर ही गिरा दिया, ऐसा हो गया। देखो पूरा कचरा है, देखो अब इसको हम वैक्यूम से क्लीन करने वाला है। देखो पूरा कचरा है, देखो ये देखो पूरा मट्टी भरा हुआ है, तो इसको हम प्रॉपर अभी ऐसा क्लीन करने वाले हैं। चलो ये आधा अधूरा क्लीन किया है, अब इसमें दूसरा वाला नोजल लगाएंगे। दोस्तों ये अभी ये वाला मैंने निकल दिया ब्रश को, अब हम इससे ट्राई करेंगे इससे कैसा होता है। अच्छा इससे भी बहुत सही निकल रहा है, एकदम डीप क्लीन हो रहा है, ऐसा जब हम घिसेंगे ना तो अंदर का प्रॉपर खींच के निकल जाएगा, और जहाँ पर भी निकल गया डार्क ब्लैक हो जाएगा वहाँ, तो मारेंगे ऐसा था क्या, बहुत दिन से ऐसा क्लीन नहीं किया, गंदा हो गया डीप अंदर खींच बैठ गया था। तो इस तरह का जो हार्ड मैट है उसको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। कॉर्नर वगैरह हर चीज प्रॉपर ऐसा क्लीन हो जाएगा इससे। ऐसा लंबा लंबा जाएगा खींचोगे ना तो ऐसा क्लीन हो जाता है, क्या ना खींच लेते, देखा देखा ऐसा प्रॉपर ऐसा पैक कर लेता, खींच लेते इतना ज़्यादा सक्शन पावर है सिंगल मोटर में, क्योंकि मैंने दूसरा वाला स्विच ऑन नहीं किया, बहुत ज़्यादा पावर है सिंगल से काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा पावर है। तो दोस्तों आपने तो देख ही लिया है कि भाई इसमें कितना ज़्यादा पावर है इस मशीन में, ज़बरदस्त है भाई, मतलब 100% जो कमर्शियल यूज़ के लिए ना इससे ज़्यादा बेस्ट मशीन हो ही नहीं सकता, पावरफुल एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ गया। नॉर्मली अगर दूसरा कंपनी का लेने को जाएगा ना तो ये 50-60 हज़ार का भी आता है इस तरह का वैक्यूम क्लीनर, जो नॉर्मली आपको JPT टूल्स में आपको जो नॉर्मली 24-25-26 इसके रेंज में आपको मिल जाएंगे मशीन। तो प्राइस आपको तो पता है, आपको क्या ना प्राइस कंपनी वाले कभी अप डाउन कर सकता है, इस वजह से मैं आपको सही प्राइस फिक्स नहीं बताऊंगा, तो आप उसके साइड में जाकर के देख सकते हैं, JPTTools.com में जाकर के देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के इसका प्राइस आप चेक कर। दोस्तों कार के बारे में तो डिटेल मैंने आपको बता दिया है, अब इसको फ्लोर क्लीन करके बताएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर पानी गिराएंगे, ये लो ये पूरा पानी गिराएंगे। चलो इतना सारा पानी हमने गिरा दिया, और सीधा मशीन को ऑन करेंगे, और ये जो पानी गिरा है ये हम अब इसको फ्लोर से खींच के बताएंगे।
जैसे कि समझिए अभी प्रॉपर ऐसे क्लीन कर लिया अपने ब्रश से, घिस लिया, कुछ भी कर लिया, बड़े बड़े फ्लोर वगैरह होते हैं ना, हॉल वगैरह, तो इसी मशीन से ऐसे क्लीन कर देते, तो इसको क्या करेंगे ऑन कर देंगे। तो ये जो मशीन है ये मल्टीपल काम के लिए, सच कहूँ तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये ऑन कर दिया, ये देखो, ये वाओ, ये देखो क्लीन, बिल्कुल एकदम क्लीन, मतलब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जहाँ पर ये साइड में पानी है और देखो ये साइड में पानी है, बीच में बिल्कुल एकदम तुरंत एक सेकंड के अंदर सूख गया, देखो बिल्कुल ड्राई है, देखो आवाज़ आया, देखो आपको दिख सुनाई दे रहा है, देखो ये मतलब पूरा ड्राई हो गया, एक सेकंड के अंदर ड्राई हो गया, बस खींचते साथ ही। बाकी देखो यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर मैं खींचूँगा ऐसा आवाज़ होगा, देखो ये आवाज़ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पानी है और यहाँ पर देखो तुरंत सूख गया, देखो ये वाओ, एक सेकंड के अंदर सूख गया, वाह भाई वाह। चलो मैं आपको फिर से ऑन करता हूँ मशीन, दिखाता हूँ फिर, ये ओ हो पानी यहाँ पर जा रहा है, इसको खींच देता पहले पानी, फास्ट एकदम, मज़ा आ गया यार, वाह भाई वाह। ये देखो पल भर में कहानी ख़त्म, हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, ये देखो वाह, ये देखो वाह भाई, मैंने अभी यहाँ पर कितना सारा पानी गिराया था, अब मैं यहाँ पर तुरंत सो सकता हूँ, मतलब पूरा बिल्कुल एकदम सूख गया है तुरंत एक पल भर में, जबरदस्त एकदम फास्ट काम है, एकदम फास्ट। तो दोस्तों सच कहो तो इस मशीन के साथ काम करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकता, आपको तो दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा मुझे कितना मज़ा आया है ना। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो देखने में कितना मज़ा आया है ना। और दूसरा बात ये कि आपको अगर मशीन खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, jptools.com का, वहाँ से जाकर के मशीन खरीद सकते हो। आपने अगर खरीदते समय अगर नित्तो 500 लिखा कूपन कोड में तो फिर आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी 10 अक्टूबर तक ये ऑफर अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।